ये तो हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग दी हुई है ना, स्तंभ ए और स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए, तो आपको क्या करना है, इसमें मैचिंग करनी है। देखिए आप लोग मैचिंग करके देख लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, सेकंड, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल में, हम लोग केवल आंसर्स पर बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम लोग सारे जितने भी आपके 150 क्वेश्चन हैं वो पूरे सॉल्व करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है हमारी कौन सी है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, निरंतरता का सिद्धांत, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है किस संविधान के किस संशोधन से क्रिया शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई है। ठीक है, यानी कि जो संविधान के किस संशोधन के अनुसार, ठीक है, शिक्षा जो है और मौलिक अधिकार बन गया है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 86। ठीक है, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपका मौलिक अधिकार बन गया है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, अभिप्रेरणा के मूल प्रवर्ती सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो मूल प्रवर्ती सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो आपके थे मैकडूगल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो आपका जो उसका ऑप्शन नंबर वन है बाल्यावस्था आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, किसने बहु विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। ठीक है, तो किसने दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है, तो डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, पढ़ने में, बरतने में, या बोलने में, या खड़े होने में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पढ़ने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सेवन का। क्वेश्चन नंबर एट है निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है, तो मतलब शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, यानी बच्चों की जो वृद्धि है वो किससे संबंधित है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, किस सिद्धांत को पुनर्लंबन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है उसको हम पुनर्लंबन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारा, निम्न में से कौन सी अवस्था भ्रूण के संवेदनात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है इसका विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टीन है आपका, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में पांच पदों का वर्णन किया है, वे हैं। ठीक है, तो पांच पदों का जो वर्णन किया है वे कौन कौन से हैं, जैसे प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण और वाचन अभिव्यक्तिकरण, इनको क्या करना है, आपको क्रम में लगाना है, तो जब आप इनको क्रम में लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, है ना, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिर फिफ्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर टू, यानी कि अनुमूल्यन जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो अधिगम का वक्र हमारा कौन सा नहीं है, तो आपका इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, लंबवत जो है वो अधिगम का वक्र नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है, यदि शिक्षक कक्षा के एक छात्र को समस्यात्मक पालक के रूप में पाता है, तो वह उसे क्या करेगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, तो जो हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो किसने नहीं किया है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बीएस ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, और फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि और बच्चे भी अपने आंसर्स को मैच कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, अवरोधन का तात्पर्य क्या है, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, बालक किसी किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न में से कौशल में पूर्व का ज्ञान का परीक्षण आता है, तो इसका जो आपका हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रस्तावना कौशल। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो मानव विकास का जो प्रारंभ है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारी जो पुस्तक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसके कौन है जो है हमारे R.M. Gaine, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला एवं विरोध की अवस्था में अवस्था है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका किसका है, स्टैनली हॉल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, तो देखिए इसका जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, 36 मिनट, क्योंकि NCERT में जो है 36 मिनट ही दे रखा है, इसीलिए आंसर हमने इसका 36 मिनट माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं, उसे जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं उसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है, तो आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, गेट्स एवं अन्य का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है, ठीक है, तो यह किसने कहा है, यह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, गिलफोर्ड ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूची, फिर से हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है सूची टू को सूची वन से, ठीक है, तो इसका भी आपका सम्मिलित करके देख लीजिए, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले कौन सा आ जाएगा आपका, पहले का चौथा आ जाएगा, फिर बी का थर्ड आ जाएगा, और सी का फर्स्ट आ जाएगा, और डी का सेकंड आ जाएगा, तो आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 है हमारा, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वो आपका समस्या की पहचान है, सबसे पहले आप समस्या को ही पहचानेंगे, उसी के बाद उसका समाधान कर सकते हैं। 29 आता है, क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, ठीक है, जब बच्चों का संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तो इसका आपका 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो हमारा CDP का जो सेक्शन है वो खत्म हो चुका है, अब हमारा 31 से जो क्वेश्चन है हिंदी का है, ठीक है, तो हम लोग हिंदी चेक कर लेते हैं, तो आप लोग हिंदी के क्वेश्चंस मैच करिए। तो हमारा 31 क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो प्रयोजन का आपका समानार्थी शब्द क्या नहीं है, तो नियोजन नहीं है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिजु का विलोम शब्द है, तो रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, रिजु में सीधा होता है, वक्र में टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, ठीक है, विशेषण का जो निर्देश है वो अशुद्ध है, कौन से में है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, बह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ठीक है, बह नौकर इसमें कोई विशेषण नहीं है, ठीक है ना। आपको 34 पे चलते हैं, आप भले तो जग भला सर्वनाम है कौन सा, अब देखिए आप भले मतलब स्वयं के लिए हो रहा है, तो स्वयं के लिए जब होता है तो कौन सा विशेषण होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, सॉरी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा, एक सेकेंड, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, आपसे पुल्लिंग पूछा गया है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, कड़ी, ठीक है, और बाकी अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय की रचनाओं का सही क्रम है, तो डॉक्टर हरिवंश राय की रचनाएं हैं उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन, अच्छा ये सम्मेलित करना है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन हमारा कब हुआ था, 1918 में हुआ था, और नहीं रुक जाइए, हाँ तो ठीक है, जो 30 है उसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि CAB,
ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है आपका अन्य से अनन्या किसकी आत्मकथा है, तो अन्य से जो अनन्या आपकी आत्मकथा है वो प्रभु खेतान की है, ठीक है, किसकी है, प्रभु खेतान की है, प्रभा खेतान की है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये आपका बाक जो है वो किसका है, तो ये आपका रैदास का है, इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है, ठीक है, तो राम आम खाता है इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें कृतवाच्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हरिमन पानी राखिए पानी बन सब सून है ना मोती गए ना उभरे, तो इसमें कौन सा क्या है अलंकार पूछा गया है, ठीक है, तो देखिए बहुत सुना हुआ अलंकार है आपका, तो बता दिया होगा आप लोगों ने, इसका हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है, हमसे शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अंक जो है वो हमारा शुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चले हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी सन्निधि का 3 वाला सही है। 45 की तरफ चलते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो उपचारात्मक सफलता जो निर्भर करती है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, समस्याओं के कारण ही कारणों की सही पहचान पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है चिड़िया घोंसलों में चिड़ियां हैं निम्न में से कौन सा कारक है, ठीक है, घोंसलों में की चिड़ियां, अब देखिए मे पर आपका किस में आता है, मे पर जो आता है आपका अधिकरण में आता है, ठीक है, किस में आता है, अधिकरण में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा पैसेज है, इसमें 47 से 48 क्वेश्चन के आंसर देने हैं पैसेज से, ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के बहुत सारे बाद सीमित हैं, तो आपका आ जाएगा राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 47 का। 48 पे आते हैं, 48 है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, ठीक है, तो गांधीवाद का आधार जो बताया गया है वो आपका किसे बताया गया, जनसेवा और अध्यात्म को बताया गया है, ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कनुप्रिया के रचनाकार हैं, तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती, इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 49 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका प्लुत स्वर कौन सा है, तो ओम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ओम जो है प्लुत स्वर है ना, पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है, तद्भव आपका खेत है, खेत का जो तस्म होता है वो आपका होता है क्षेत्र, ठीक है। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देशज जो हमारा धड़ाम, ठीक है, यानी कि धड़ाम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 52 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का मतलब होता है मिथ्या आडंबर, क्वेश्चन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा, ऋग प्लस वेद। आप बीती में समास बताइए, तो आप बीती में हमें समास बताना है, आप बीती में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास 55 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका कौन सा रस है, ठीक है, अच्छा इस पदांश में कौन सा रस है, रस पूछा गया है, तो इस पदांश में देखिए कौन सा रस है, बादशाह रस है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है उपरोक्त पद किस कवि का है, तो ये जो पद है वो किस कवि का है, तो ये आपका तुलसीदास का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के स्थान पर उच्चारण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध विकल्प शुद्ध है, तो उच्चारण की दृष्टि से जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। 59 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कौन सा कथन अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसमें लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो देखिए लड़के यानी कि आपका क्या है, लड़के कर्ता भी है, पुल्लिंग भी है और बहुवचन भी है, ठीक है, लड़के जो है हमारा एकवचन नहीं है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 से आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है आप देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 61 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द ग्रामेटिकल करेक्ट, ठीक है, यानी कि ग्रामेटिकल करेक्ट कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ठीक है। 62 क्वेश्चन नंबर 62 है फिल इन द ब्लैंक विद
फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ठीक है, हमें जो है करेक्ट प्रीपोजिशन का चूज करना है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 63 का। नेक्स्ट आपका आता है 64, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज जूनियर टू मी, ठीक है, जब कंपैरिजन होता है तो टू का यूज होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। 65 बोला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन, हमें करेक्ट कंजक्शन चूज करना है, तो उसमें आ जाएगा आइदर ही इज मेड, ठीक है, ही इज मेड और, ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा और, ठीक है, आइदर के साथ क्या करते हैं, आइदर के साथ हमेशा और का ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, बस इसमें थोड़ा डाउट है, ऑप्शन नंबर टू होना चाहिए, देख लीजिएगा, ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा सस्पेंस पे है 66 वाला, ठीक है। 67 को देखते हैं, द विच द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस डू इट, तो इसका आपका डू इट का जब पैसिव बनाएंगे तो आपका इसका हो जाएगा लेट बी डन, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्लूरल, तो इसका आपका हो जाएगा क्रिटेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इन द प्लूरल, ठीक है, तो जो हमारा प्लूरल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू माइस, माउस का जो प्लूरल बनाते हैं तो हमारा माइस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, ठीक है, इसमें आपको क्या करना, ऑर्फन का फेमिनिन जेंडर बताना है, ठीक है, जेंडर बताना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा मस्कुलिन, ठीक है, यानी कि आपका मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मस्कुलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 71, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा दिया है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा होता है हेड का यूज होता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हेड का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा आपका नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक द मून, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दादा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर एन आवर, ठीक है, आपका इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, फॉर एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, 74 की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 में आपका पूछा गया है एट द राइट सफलेक्स फ्रॉम द प्लूरल बर्ड, ठीक है, यानी कि ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल हमारा क्या बनेगा, ऑक्सन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सन, ई एन वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 75, क्वेश्चन नंबर 75 है विच ये है आपका चेंज द वर्ड ग्रो इनटू ए नाउन बाय एडिंग वन ऑफ सफिक्सिंग ग्रो, ठीक है, अच्छा ग्रो में हम अगर ग्रोथ जोड़ देंगे तो हमारा TH, यानी कि ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा 75 का। 76 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, ऑल द फीमेल मेंबर्स आर हैव अराइव्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट इंफॉर्मेशन सॉरी इंटरफ्रेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, द डायरेक्ट मेथड, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। 77 के बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, ठीक है, 78 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 के कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 है इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ रिटन इंग्लिश यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट, इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, रीड। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, प्लीज लिसन टू योर टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, आई डोंट बिलीव हिम,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 81। 81 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ए नॉट कॉल्ड कंजक्शन, यानी कंजक्शन नहीं है, तो हमारा इफ जो है वो कंजक्शन नहीं होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 82 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, हमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बनना है, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, फॉर फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, तो ही इज फास्ट राइटर इज, तो इसका आपका एडवर्ब, हाँ तो इसका आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सिंपल सेंटेंस, कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है, ठीक है, तो हमने ये बताना है कौन सा इसमें सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो वैसे तो हमारा सिंपल सेंटेंस ये होना चाहिए कि ये वाला हमारा नेगेटिव है, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए, बट इसमें थोड़ा डाउट है, देख लेंगे बाद में इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द करेक्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन, इसका आपका कौन सा सेंटेंस है, आपको ये बताना है, तो इसका आपका फ्यूचर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 85 का। 86 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर जो 86 है वो आपका पैसेज दिया हुआ है, 86 और 87 दोनों ही पैसेज से हैं, तो आपका आ जाएगा द वर्ड स्ट्रेंथ इज, इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ये कौन सा होता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, तो इसका आपका हो जाएगा ए स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है हमारा, देखिए यहाँ पे भी ये पैसेज दिया हुआ है, ये पोएम वाला पैसेज है, ठीक है, तो इसमें भी हमें 88 और 89 के जो आंसर्स देने हैं पैसेज में से देने हैं, तो इसका आपका आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द है अट्रोंडन, तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है। 89 की तरफ चलते हैं, इंडेफिनेट, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूजेस द सेकंड स्टैंजा, इसका आपका हो जाएगा सिमिलियर, ठीक है, स्माइल हो जाएगा, स्माइल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 90, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इज करेक्ट, ठीक है, हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है, तो हमारा 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ओनली, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी, ठीक है, ये वाला हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलते हैं मैथ की तरफ, ठीक है, तो अब आप लोग अपना मैथ चेक कर लीजिएगा, मैथ निकाल लीजिएगा, हमारा 91 से मैथ का स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 91 का आंसर देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं मैथ के, केवल आपको आंसर लगवा देते हैं, उसके बाद में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की पूरी मैथ की एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी इसके, और सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, तो आप लोग अभी केवल आंसर चेक करिएगा। तो 91 है, 91 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, ठीक है, 92 का आपका हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 93 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यानी कि 1/9 नहीं होगा, इसका आपका हो जाएगा 4/9, क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं, तो 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 96 की तरफ चलते हैं, 96 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, तो 97 का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये जो हमारा सही है, एक अभाज्य संख्या जो विषम हो सकती है, बाकी हमारा जो 3 ऑप्शन है वो हमारे गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 100 का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इसमें 2 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका 5 हो जाएगा, कितने सीट्स होते हैं, 5 सीट्स होते हैं, एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 का इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 10%। 103 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे आपका ई इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी और डी। एक सेकंड, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 103 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बी, ठीक है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है,
तो 104 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए और डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105, 105 का आपका आंसर हो जाएगा 5/36, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा 37.5%। नेक्स्ट है आपका 107, तो 107 का आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 72, ठीक है। 108 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 108 का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा 10,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, 109, तो क्वेश्चन नंबर 109 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा 54। नेक्स्ट है 110, क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं, इसका आपका हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 27। 111 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8, 15, 7 में क्या होता है, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें 8 जो है सबसे छोटी संख्या है। 112 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 112 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा यानी कि 7, ठीक है, 112 का 7 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 की तरफ चलते हैं, 113 क्वेश्चन का आपका 81/40 यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है, इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, 115 की तरफ चलते हैं, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है, तो इसका आपका आ जाएगा चित्र द्वारा, ठीक है, एक से अधिक संचयनित आयत आयत के चित्र द्वारा, ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट हम देखते हैं 116, 116 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा 24.2%, सॉरी 24.4%, ऑप्शन नंबर ये नहीं, आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा 116 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा 814। क्वेश्चन नंबर 118, 118 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं, 119 में आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा 5/8। क्वेश्चन नंबर 120, तो क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन नंबर आपका 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वन और थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं हमारा, देखिए मैथ कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा पर्यावरण अध्ययन आ गया है, ठीक है, यानी कि एनवायरमेंट स्टडी हम इसको भी कर लेते हैं, इसके आपके 30 क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका पूरा जो पेपर है वो हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है, ये हमारा लास्ट पोर्शन है, तो इसको चेक करिएगा, ये 121 से स्टार्टिंग है इसकी। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी खरपतवार, ठीक है, हमें क्या करना है, सर्वाधिक समस्याकारी खरपतवार बताना है, तो जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, अच्छा हम क्या इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जलकुंभी, देखिए हिंदी में इसको जलकुंभी कहते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, वायरस के अजैविक लक्षण, अजैविक होने का लक्षण है, तो इसका आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बाकी यदि देख लेंगे अभी इसको थोड़ा क्लियर नहीं है ये वाला, वैसे फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा राइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं, 123 का आपका हो जाएगा इथाइलिन, फल को जो पकाने में यूज़ करते हैं इथाइलिन का करते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है 124, तो 124 का आपका आ जाएगा विब्रियो, नहीं सॉरी राइबोसोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 125 की तरफ चलते हैं, 125 है आपका डीएनए वाला, तो इसमें बी डीएनए सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी, ये आप सबको पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 126 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर, 127 है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये हमारा कहाँ होता है, सोनपुर में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, तो एकता परिषद की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा, 14 से 18, चीला जो संविधान है वो किसमें लागू है, इसका आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है, जबकि हमारा यूनाइटेड किंगडम का सबसे ज़्यादा लचीला संविधान है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा। 131 की तरफ चलते हैं, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो पूर्वा जो है हमारा किसका होता है, ग्रामीण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर टू
करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये हमारा किलिमंजारो है, ये कहाँ पर हमारा तंजानिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, तो एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, एलिफेंटा द्वीप हमारा कहाँ पर अवस्थित है, गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा, मानसूनी वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, मानसूनी वन जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 134 का। 135 देखते हैं, 135 आपका कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, तो जो कार्बी एसलोंग पठार होता है इसका आपका हो जाएगा प्रायद्वीपी पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो आपका पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 का आरक्षण महिलाओं के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। 137 में आपका है राज्यपाल नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फिर से हमें मैचिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 38 में, तो क्वेश्चन नंबर 38 का मैच करके देख लीजिए, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा, ACDB। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 139 की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 139, तो 139 में है आपका अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया था वो कहाँ पर हुआ था, तो इसका वैसे जम्मू कश्मीर ही होना चाहिए इसका, लेकिन लक्ष्मीकांत में आपका लक्ष्मीकांत के हिसाब से अगर देखते हैं तो चलो कोई नहीं, हम फर्स्ट मान के चलते हैं, बाकी इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं कह सकते हम 139 को। 40 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, नगर निगम कौन सा कर लगाया जाता है, तो नगर निगम द्वारा जो है हमारा वो गृह कर लगाया जाता है, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट होगा, हाउस टैक्स। टोल टैक्स जो है वो टोल टैक्स हमारा पहले लगाया जाता था, अभी नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं, तो 141 जो है इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश, रेडियार जो पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। 142 की तरफ चलते हैं, शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो हमारा जो कंपास है वो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 143 की तरफ चलते हैं, जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम द्वीप है, तो वो है हमारा एशिया, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, हमारा एशिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम 144 की तरफ, भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, तो अचल जीव जो है वो हमारा कौन सा है, यूप्लेकिटेला। ठीक है, यूप्लेकिटेला जो है वो हमारा क्या अचल जीव है। 147 की तरफ चलते हैं, प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो प्रोटीन अणुओं की जो इकाई होती है वो हमारी अमीनो अम्ल होती है। नेक्स्ट चलते हैं 148 की तरफ, 148 कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो पादप कोशिका में क्या होता है हमारा, सेलुलोज भित्तियाँ होती हैं, कोशिका भित्ति नहीं, सॉरी ये गलत है, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है, अनुपस्थित होता है ये पूछा गया, तो हमारा तारकाय हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 448 का 4 वाला ऑप्शन राइट होगा। 149 की तरफ चलते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी ग्रंथि है वो हमारी क्या है, यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो हमारा हो जाएगा सारस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सारस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सारस या फिर क्रॉन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और बच्चे भी जिन्होंने अभी तक अपना आंसर की मैच नहीं की है वो मैच कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।